वहीं राजधानी लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने बताया कि 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 20 मई को लखनऊ मोहनलालगंज लोकसभा के लिए मतदान होगा। इसके आगे उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि लखनऊ शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मतदान हो। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में 35 लाख मतदान थे, जिसमें 15 लाख लोगों ने मतदान किया था। वही जिन कारणों से मतदान प्रतिशत कम हुआ था उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 26 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बाद अलग अलग डेट्स में जो जो कार्यवाहियां होनी है वो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जो ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मतदान का प्रतिशत कम होता है, उन कारकों को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 20 मई को पूर्ण रूप से छुट्टी घोषित की गई है। सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान सभी बंद रहेंगे, तो उस दिन मूवमेंट केवल इमरजेंसी सर्विसेज का और बूथ्स पर वोट डालने को लेकर ही होगा। तो हम लोग आपके इस इनपुट को ले रहे हैं और इस पर हम लोग काम करेंगे कि उस दिन किसी भी प्रकार की ट्रैफिक अव्यवस्था ना हो या ट्रैफिक की वजह से कोई वोटर अपना वोट डालने से चूके ना, ये हम लोग व्यवस्था करेंगे।